नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, जस्ट जून 2021 सूर्य ग्रहण लग रहा है, ऐसे में भारत में कितने बजे से होगा सूतक काल, कब होंगे और कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से शिशु पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गर्भवती महिलाएं जरूर करें ये छोटा सा काम। दोस्तों, साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून बुधवार को लगेगा, जो भारत में भी अवश्य दिखाई देंगे। ऐसे में सूर्य ग्रहण के दौरान लोगों को सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब आपके घर में कोई गर्भवती महिलाएं हों। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के नकारात्मक ऊर्जा का सबसे ज्यादा असर बुजुर्गों पर, बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर पड़ती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं का शरीर इस समय इतना कमजोर हो जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान उन्हें कई प्रकार की सावधानियां बरतनी होती हैं, जिनसे कि उनका, वे और उनका बच्चा भी सुरक्षित रह सके। ऐसे में 10 जून को लगने वाला इस सूर्य ग्रहण का सही समय, सूतक काल और बरती जाने वाले महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे, तथा इसी के साथ गोपाल मंत्र का उच्चारण भी बताएंगे और कौन से ऐसे मंत्र हैं, कौन सी ऐसी क्रिया हैं जिनको करने से बच्चों को कोई भी नुकसान नहीं होगा, इस विषय में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको अपने शहर का जानना है कि आपके शहर में साल का पहला सूर्य ग्रहण कितने बजे से लगेगा, तो आप अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को ग्रहण शुरू होने से पहले ही स्नान कर लेना चाहिए, और ग्रहण में अगर आपके घर में मंदिर हैं तो मंदिरों के कपाट को बंद कर देना चाहिए, ताकि भगवान पर इसका ग्रहण का कोई भी असर न हो। वहीं ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान करना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान पड़ने वाले नकारात्मक ऊर्जा गर्भवती महिलाओं और होने वाले शिशु पर बुरा असर डालती हैं। अगर कोई महिला ग्रहण स्नान होने से पहले ही स्नान न कर सके, तो उसे अपने घर में गंगे जल को छिड़काव करना चाहिए। दोस्तों, इस ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही लग जाएगा। यह ग्रहण कई देशों में देखा जा सकता है, जैसे यह भारत सहित अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अमेरिका, दक्षिण यूरोप और हिंद महासागर के कई क्षेत्रों में दिखाई देगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण होगा, जो कि जेठ मास की कृष्ण पक्ष के अमावस्या तिथि को लगेगा। ऐसे में 10 जून 2021 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार इस दिन दोपहर 11:42 से शुरू होगा, और इस सूर्य ग्रहण की समाप्ति शाम के 6:41 पर होंगे। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से रूस, मंगोलिया, यूरोप, ग्रीनलैंड, कनाडा और उत्तरी भाग और चीन के पश्चिम भाग में दिखाई देगा, जबकि यह भारत में भी आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है। ऐसे में इस ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के साथ साथ कई मनुष्यों को भी सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रहने वाला है। दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं गर्भवती महिलाओं को कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। जी हाँ, हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही चार दीवारी में रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दौरान घर से बाहर निकलना हानिकारक होगा। हालांकि आप ग्रहण खत्म होने के बाद बाहर निकल सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाकू, पिन और सुई जैसे नुकीली चीजों से भी दूरी बनाए रखने की जरूरत होंगे, क्योंकि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस अवधि के दौरान शिशु में विकृति का कारण बनती हैं, और चाकू, सुई, ब्लेड, कैंची इत्यादि का उपयोग, काटने वाली वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। इनसे अजन्मे बच्चों के अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है। सुई धागा का उपयोग भी इस समय के दौरान निषेध होता है। ग्रहण की अवधि के दौरान भगवान का नाम लेने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण को खुली आंखों से कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक हो सकता है। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह आंखों की रोशनी को खराब कर सकता है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोने की सलाह भी नहीं दी जाती हैं, खाना खाने की सलाह भी नहीं दी जाती हैं, न ही आप अन्न कर सकते हैं। मलमूत्र को त्याग करने की सलाह भी नहीं दी जाती हैं। आप फर्श पर बैठकर आप फैली हुई घास पर बैठने की जरूरत होती है। सूर्य ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण की शुरुआत से पहले भी स्नान कर लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए महामृत्युंजय मंत्र, संतान गोपाल मंत्र और सूर्य मंत्र या विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए।
ग्रहण काल के दौरान कई प्रकार के अशुद्ध और हानिकारक किरणें निकलती रहती हैं और कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें ग्रहण काल के दौरान किया जाना चाहिए। ग्रहण के दौरान भोजन पानी नहीं लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान भी स्नान न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। ऐसे में ग्रहण के दौरान बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं जिनको करने से आपके जीवन में कई प्रकार के इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए आप सूर्य ग्रहण के दौरान इन सभी कार्यों को करने से बचने का प्रयास आप अवश्य करें। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जहां तक हो सके भगवान की भक्ति में लीन रहने की अवश्य कोशिश करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें पूछें।